आज आप लोगों को 10th क्लास बोर्ड का लाइट चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और उसमें सबसे पहले एक फिजिक्स का हल्का सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे रहे हैं। ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि फिजिक्स जो है यह स्टडी है ब्रह्मांड और उसकी घटनाओं का अध्ययन है, किसके रेफरेंस में, द्रव्यमान और ऊर्जा यानी मास और एनर्जी। अब देखिए इस फिजिक्स के दो पार्ट बनते हैं, एक पहले ओल्ड स्ट्रीम जो पुरानी धारा थी उस पुरानी धारा को नए ढंग से उकट करने वाले आपके सर आइज़क न्यूटन साहब हैं। तो न्यूटन जो क्लासिकल पार्ट है, क्लासिकल पार्ट के न्यूटन साहब हैं और मॉडर्न पार्ट के आइंस्टीन हैं। आइंस्टीन पूरा नाम एल्बर्ट आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन। न्यूटन साहब क्लासिकल स्ट्रीम में जैसे लॉज ऑफ मोशन है, गति के नियम है, ग्रेविटेशन है, थर्मोडाइनमिक्स में उन्होंने ऐड किया, तो ये सब सारी फिजिक्स की धाराएं वह क्लासिकल फिजिक्स से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए न्यूटन को बोलते हैं फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। न्यूटन को बोला जाता है फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स यानी पुरानी जो भौतिकी धारा रही उसकी उसके जनक माना जाता है, और एल्बर्ट आइंस्टीन साहब को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता। इनका गति के नियम, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स बहुत जगह मतलब सभी धाराओं को, पुरानी धाराओं को इन्होंने टच किया और बताया। और यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टीन साहब ब्रह्मांड की रियलिटी को E=mc² यानी ब्रह्मांड का एक्जिस्टेंस और उसकी मिस्ट्री रहस्य वह E=mc² फॉर्मूले से किए और इसको बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, इसको बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। अब आप लोगों को यह तो इंट्रोडक्शन एक हल्का सा दिया, अब टेंथ बोर्ड का फर्स्ट टॉपिक लाइट स्टार्ट होने जा रहा है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है लाइट चैप्टर का। तो लाइट में आप देखिए यह फर्स्ट चैप्टर आपका टेंथ बोर्ड का स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले हम बताते हैं प्रकाश है क्या, व्हाट इज लाइट। आप लाइट चैप्टर को स्टडी करने के लिए सबसे पहले लाइट का डिफाइन करेंगे, लाइट है क्या। आप उसे जनरली बोलते हैं कि प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है, ठीक, रफली बोलने के लिए ये जनरली सामान्य ढंग से सही है। बट जो है लाइट है क्या, इसको सही ढंग से डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, लाइट एक तरह की ऊर्जा है लेकिन ड्यूअल नेचर रखती है, इसमें द्रव्यमान भी है, या ड्यूअल नेचर रखती है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर होता है। ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर का मतलब होता है वह पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों रखेगा। अगर पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर है इसका मतलब द्रव्यमान है, वेव नेचर है इसका मतलब एनर्जी है उसके अंदर। अब देखिए यहाँ पर लाइट सबसे पहले आप करेंगे इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, कंप्लीट डेफिनेशन दे रहा हूं आपको, इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी हैविंग ड्यूअल नेचर, हैविंग ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब यह है पार्टिकल भी नेचर है इसका, पार्टिकल नेचर का मतलब इसमें मास है, और वेव नेचर है, वेव नेचर का मतलब ये हुआ जो है इसमें एनर्जी है, ठीक। और आगे यह तो एनर्जी फॉर्म है, ड्यूअल नेचर रखती है, और साथ साथ एक चीज और देखना पड़ेगा लाइट का आपके ह्यूमन लाइफ में क्या यूज है, जो आप आज आप कलरफुल वर्ल्ड देख रहे हैं अपनी आंखों से या किसके थ्रू है, लाइट के थ्रू। इसीलिए कलरफुल वर्ल्ड एंड आई, रंग बिरंगी दुनिया और आंखें, यह अलग चैप्टर आपके लिए लाइट चैप्टर में रखा गया है, क्योंकि प्रकाश भले हो आंख ना हो, आंख हो प्रकाश ना हो कोई मतलब नहीं, इसलिए इसके साथ कलरफुल वर्ल्ड एंड आई अलग चैप्टर इसको बनाया गया साथ में इसलिए। तो प्रकाश क्या है, यह एक तरह की ऊर्जा है जो ड्यूअल नेचर रखती है यानी पार्टिकल नेचर वेव नेचर दोनों, यह और साथ साथ यह सेंस ऑफ विजिबिलिटी देती है यानी कोई भी चीज दृश्य है, हमको कोई भी चीज दिखाई दे रही है तो वह किसके थ्रू है, प्रकाश के थ्रू। तो एंड इसमें और जोड़ेंगे एंड क्रिएट्स सेंस ऑफ विजिबिलिटी, सेंस ऑफ विजिबिलिटी यानी यह दृश्यता का
हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, यह दृश्यता यानी कोई चीज दिखाई देने योग्य जो कंडीशन स्थिति होती है वह दृश्यता का विजन पैदा करता है और ड्यूअल नेचर रखता है यानी द्वंद्व प्रकृति है इसकी, इसकी द्वंद्व प्रकृति है। इसको मैं हिंदी में करते रहा हूं ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान न होइएगा। और यह एनर्जी का ऊर्जा आप जानते हैं, यह ग्रह की ऊर्जा है जो द्वंद्व प्रकृति यानी पार्टिकल कण की प्रकृति और तरंग प्रकृति रखती है। वेव का मतलब तरंग, पार्टिकल का मतलब कण, और जो क्रिएट करती है दृश्यता का सेंस पैदा करती है उसको लाइट कहते हैं। अब देखिए लाइट ड्यूअल नेचर की है, यह आपको लाइट की जो शाखा फिजिक्स जो शाखा लाइट का अध्ययन करती है उसको क्या बोलते हैं, फोटोमेट्री। ये ध्यान रखिएगा, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडी विद लाइट उसको बोलते हैं फोटोमेट्री। फोटोमेट्री यानी हिंदी बोलते हैं प्रकाश मिति। यह आप फोटोमेट्री सेक्शन में चल रहे हैं फिजिक्स के, ध्यान रखिएगा। तो लाइट का जो हमने आपको ड्यूअल नेचर बताया, यह ड्यूअल नेचर का फोटोमेट्री, इंटरमीडिएट फोटोमेट्री सेक्शन में जाएंगे तो आपको डी ब्रॉगली इक्वेशन मिलेगा। यह डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जहां लैम्डा शो करता है वेव को, ध्यान रखिएगा लैम्डा शो करता है वेव को और एच शो करता है एनर्जी। इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, यह प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब पी है मोमेंटम, मोमेंटम यानी संवेग। अब देखिए जो लैम्ब्डा है, लैम्ब्डा यह जो वेव तरंग आप दिखाते हैं जो ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन है उसको क्रेस्ट यानी श्रृंग बोलते हैं, और जो नीचे वाला गर्त है इसको ट्रफ बोलते हैं। तो किसी भी दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, लैम्ब्डा यानी वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य है, इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य है। यह है तरंग दैर्ध्य है, ठीक। तो आप देख रहे हैं इसमें एनर्जी फॉर्म तो है ही, साथ साथ यहां पर पी भी शो कर रहा है, एस जो है एनर्जी को शो कर रहा है और पी मोमेंटम है। मोमेंटम हमेशा संवेग बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। यानी यहां पर जो लाइट, लाइट की प्रकृति है वह क्या है, ड्यूअल नेचर है यानी मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब उसमें मास है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसमें अब देखिए लाइट की एक प्रॉपर्टीज का हम स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज में कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए और जो 10th क्लास बोर्ड के लिए जो महत्वपूर्ण है यह है, सबसे पहले स्ट्रेट पैथ पे चलता है तो इसकी प्रॉपर्टी में हो गया। बाकी दो चीज का आपको अध्ययन करना है, एक रिफ्लेक्शन दूसरा रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में आपको किससे रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर से और फिर स्फेरिकल यानी समतल दर्पण और गोलीय दर्पण से। फिर आपका रिफ्लेक्शन आता है, अपवर्तन आता है। रिफ्लेक्शन यहाँ पर सिर्फ एक मीडियम होता है, रिफ्लेक्शन यहाँ एक से ज्यादा मीडियम में जब इंटर करती है लाइट तो रिफ्लेक्शन प्रोसेस होती है। और इसमें देखिए यह रिफ्लेक्शन किसके थ्रू स्टडी करेंगे आप, लेंसेज के थ्रू और प्रिज्म के थ्रू, बाकी नेचुरल फिनोमेना का स्टडी करेंगे। आप लोगों में 10th क्लास बोर्ड में बस इतना तक आप लोगों का कोर्स है, बाकी इससे आगे ढेर सारी लाइट की फिनोमेना है जैसे इंटरफेरेंस है, डिफ्रेक्शन है, पोलराइजेशन है, ये सब चीजें आपको हायर क्लासेस में मीन्स 12th क्लास फोटोमेट्री में आप लोगों को मिलेगा। आज तक बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट आप लोगों का होगा रिफ्लेक्शन एंड मिरर्स यानी परावर्तन और दर्पण, जिसमें समतल दर्पण और गोली दर्पण के बारे में बताया जाएगा। आप लोग प्लीज ये जो भी सीक्वेंस में स्टडी चल रही है इसको प्लीज कंटिन्यू अपना रखिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए और कायदे से अच्छे ढंग से आप लोग स्टडी करिए। बस हम यही चाहते हैं। इट्स ओके, थैंक यू।